चलो संदेश कोई अमीर आदमी नहीं है, बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर लूथरा इस गरीब आदमी से पैसे क्यों ले रहे हैं। मिस्टर मुल्कानी, आपको नहीं लगता कि आप दो केसेस को एक साथ मिक्स कर रहे हैं? यहाँ हम करण लूथरा के मैच फिक्सिंग का केस लड़ रहे हैं, ना कि संदेश अमीर है या गरीब, किसी का मोहरा है या नहीं, या किसी के कहने पर काम कर रहा है का नहीं, इसके बारे में। तो मिस्टर मुल्कानी, इन सारी कहानियों को अलग रखते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये एक मैच फिक्सिंग का केस है। संदेश किसी का मोहरा है या कोई कॉन मैन है, इस पे हम बाद में लड़ाई कर सकते हैं। नहीं मिस्टर मुल्कानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैच फिक्सिंग के केस को दूसरे केस के साथ मिक्स मत कीजिए, प्लीज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। अभी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। करण लूथरा को उसके ही घर के बेडरूम में पैसे लेते हुए देखा गया, उसके सबूत हैं। जिस बैग की करण लूथरा के साथ तस्वीर है, उस बैग को बाद में उसकी कार में भी देखा गया। इस आधार पे करण लूथरा ने मैच फिक्सिंग की है। करण लूथरा को मैच फिक्सिंग के आरोप में रुक जाइए। करण भी गुनाह है। असली गुनहगार ये है। मल्होत्रा, जी हाँ, वो पृथ्वी है जिसने संदेश को हायर किया, उसे पैसे दिए और करण को फंसवाया। संदेश जो भी कर रहा था पृथ्वी के कहने पर कर रहा था, और इस बात के मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, संदेश के कन्फेशन का वीडियो, प्लीज आप देखिए, गुनेगार पृथ्वी है। सबूत पेश किए जाए। आपके पास कोई सबूत भी है या ऐसे ही फिल्मी ड्रामा कर रही है? जी है ना, प्रूफ इसी में तो था, कहां चले गया? तो फिर कहां गए सबूत, दिखाइए ना। अरे आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्या क्या ड्रामे कर रही है आप? सर कुछ चाहिए आपको? सर आप कहाँ जा रहे सर? वो मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। सर आप कहीं नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर। अरे क्यों नहीं जा सकता, मुझे जाना है। सर प्लीज काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप स्ट्रेस मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे स्ट्रेस डालूं, और मेरे दोनों बच्चों को मेरी जरूरत है, दोनों मुसीबत में, और आप कहती मैं स्ट्रेस ना लूं, यहाँ घर बैठे थोड़ी सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो परेशानी में और मैं यहाँ घर बैठा हूँ। सर आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आपकी बेटी के साथ पूरी फैमिली है। अरे हाँ तो फैमिली है तो मैं भी तो फैमिली हूँ ना, मुझे मेरी भी तो जरूरत हो सकती है। सर बैठिए, रेस्ट कीजिए, मैं आपके बेटे से आपकी बात करवाती हूँ, आपको मेडिसिन देती हूँ। अरे पूरा परिवार उसके साथ है, उसके बाप को भी तो उसके साथ होना चाहिए ना, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक है। सर मैं आपको देती हूँ सर। सर आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको बाद में बात करवाती हूँ। सर प्लीज मेरी बात करा दो। सर मैं आपकी बात करवाती हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास। बेचारे कितने बेवस है आज,
भगवान ऐसा दिन किसी पेरेंट्स को ना दिखाए। इन्होंने ये फैमिली कितने प्यार से बनाई थी, आज इनकी पूरी फैमिली बिखर गई है। ये क्या हो गया? यकीन ही नहीं हो रहा। किस्मत है मेरी, किस्मत तुझे सलाम। पृथ्वी जी, जज साहब आप इन्हें जानते नहीं है, ये प्रीता लूथरा, मिसेस प्रीता लूथरा, ये एक तीर से ना दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड इनोसेंट है और ये अच्छे से जानती है कि मेरे करण भाई भी इनोसेंट है, और जो कोर्ट है वो एक इनोसेंट इंसान को पनिश नहीं करेगा, आज नहीं तो कल उसे जस्टिस मिलेगा ही। लेकिन आज के केस का फायदा उठा के ये मेरे हस्बैंड से बदले लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं करती, इनकी दुश्मनी है मेरे हस्बैंड के साथ, इसीलिए इन पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे हस्बैंड इनोसेंट है, वो कभी नहीं सोच सकते ऐसा कि वो मेरे भाई का करियर बर्बाद करे। एंड आप खुद ही बताइए जज साहब, फायदा किसका है यहाँ पे? अगर मेरे भाई का करियर बर्बाद होता है, उनकी लाइफ बर्बाद होती है, तो फायदा सिर्फ इन्हें है, इन्हें फायदा है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को उससे कोई फायदा नहीं होगा, इन्हें होगा जज साहब, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कृतिका, क्या बोली जा रही है यार? मेरी दीप पे इतना गंदा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखकर लग रहा है कि ये किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ पृथ्वी जी की हालत देख रही हो तुम? हाँ इनकी हालत ऐसी क्यों है फिर? ऑर्डर ऑर्डर, ये फैमिली ड्रामा कोर्ट में नहीं चलेगा। कौन दोषी है कौन निर्दोष, ये आपस की लड़ाई आप बाहर जाके कीजिए। ये कोर्ट है, यू हैव टू फॉलो द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। अभी अदालत अपना फैसला सुनाएगी, आप सब लोग शांति से बैठ जाएं। रुक जाइए जज साहब। कोई भी फैसला सुनाने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए, और आप सब लोग शांति से बैठ जाएं। Your Honor, करण बेकसूर है। सब लोग कह रहे हैं करण बेकसूर है, इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ है। ये लीजिए। आपने सारी फोटोज देख ली है, मैं चाहती हूं कि आप प्लीज एक बार ये वीडियोस देख लीजिए। अभी नताशा कौन सा हुक्म का इक्का लेकर आई है? अब ये कौन सा नया ड्रामा करने वाली है? दोनों कार्स आपस में क्यों टकराई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रीता, प्रीता, प्रीता,
मल्होत्रा को मैंने फंसाया था। पृथ्वी मल्होत्रा ने कांटेक्ट किया था मुझे। आज करण लूथरा जेल के अंदर है और इस सारे कांड को अंजाम दिया है मैंने। कोशिश भी मत करना, मेरे पास और भी बहुत सबूत है। वैसे भी इन सारे सबूतों के बेस पे तो तुम फंसने वाले हो, जैसे ही ये सब कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बचना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना यहाँ से भागने में। मुझे इसी रिकॉर्डिंग का दूसरा वर्जन चाहिए, जो तुम रिकॉर्ड करोगे वो भी मेरे सामने कैमरा फेस करते हुए, मुझे देखते हुए। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इन सबसे मेरा क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं, इन सबसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के सामने मैं नताशा, लेकिन मेरी असली पहचान पायल है। पायल? वो मेरे बारे में अपडेट्स मांगना बंद करो। जितना कम जानोगे उतना अच्छा है। वैसे तो तुम अब तक बहुत अच्छे से जान चुके हो कि तुम मेरे सामने कन्फेस करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी सारी कन्फेशन मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो फंसोगे तो तुम वैसे भी। लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें यहां से आसाद पंछी की तरह उड़ा दूंगी। आधे घंटे में मुंबई से निकलवा दूंगी। और अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो कि पायल कौन है क्या है, देन आई स्वेयर, जानने के बाद तुम्हें इतना तो यकीन जरूर हो जाएगा कि मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ और अपनी बातों से बहुत पक्की हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो अब सोच लो, फंसना है या बचना है, क्या कहते हो, कन्फेस करोगे? ठीक है। वेरी गुड, यहाँ बैठो और कन्फेशन स्टार्ट करो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। करण लूथरा को मैंने फंसाया था मैच फिक्सिंग में, किसी के कहने पर। करण को फंसाने के लिए पैसे लिए थे मैंने। करण लूथरा बेकसूर है। अगर करण लूथरा बेकसूर है तो उसको फंसाने के लिए पैसे किसने दिए? कौन फंसाना चाहता था करण लूथरा को? देखा कृतिका, नताशा को भी पता चल गया कि इन सब के पीछे पृथ्वी का हाथ है। जज साहब, मेरे पास भी यही प्रूफ थे, ऐसा ही वीडियो कन्फेशन किसी और तरीके से लिया गया था, लेकिन वो सारे प्रूफ किसी ने गायब कर दिए। ओ प्लीज प्रीता, अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मैंने कब कहा कि पृथ्वी गुनेगार? पृथ्वी के पीछे बैठा हुआ वो शख्स असली गुनेगार है। जी हाँ यौन, करण बेकसूर है। ये आदमी हूबहू पीछे से करण की तरह दिखता है और संदेश ने इसी को पैसे दिए थे और इन्हीं के पिक्चर्स क्लिक किए गए थे और आज इसी के वजह से करण सलाखों के पीछे है अब तक। तो ना, करण की कोई गलती नहीं है। विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। मल्होत्रा, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट हर वो सबूत है जो ये प्रूफ कर सकता है कि
तुम थी जिसने करण को फंसाया था, लेकिन वो तो मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हें इस बार बचाया है। मैं चाहती तो हर वो सबूत कोर्ट के सामने पेश कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना ही पेश किया जितना करण को बचाने के लिए, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए और उसे जेल से रिलीज करने के लिए चाहिए था। मैं बस तुमसे इतना कहूंगी, अगर आज के बाद तुम्हारी या शर्लिन की वजह से मुझे एक भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ना, तो ये मत भूलना कि मेरे पास वो सारे सबूत हैं और मुझे कोर्ट में पेश करने में एक मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जेल का एक्सपीरियंस तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। छूट देना मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी, लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोगों ने मेरा सपना कुछ ऐसे तोड़ा है कि मैंने सोचा क्यों ना अब दर्द के साथ सौदा कर ले। अब थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा और घूमिए। घूमिए। मिस्टर प्रिंस गुड। सो प्रिंस, कोर्ट को ये बताइए कि कौन है जो मिस्टर करण लूथरा को फंसाना चाहता है और इसके लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर मेहरा, आप भी वही कर रहे हैं, दो केसेस को मिक्स कर रहे हैं। ये केस है करण लूथरा का, कि वो बेगुनाह है या गुनहगार है, अब उन्हें कौन फंसाना चाहता था या कौन नहीं फंसाना चाहता था, ये केस हम बाद में लड़ लेंगे। आज करण लूथरा का केस है और ये साबित हो चुका है कि वो बेगुनाह है। योर ऑनर। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि प्रिंस के खिलाफ केस बनाइए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि करण लूथरा बेगुनाह है। करण लूथरा को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ करण कि तुम आज घर वापस आ रहे हो।
यू आर मोस्ट वेलकम। आज पता चला कि सब कुछ पाके भी खोना किसे कहते हैं। पृथ्वी जी घर चलते हैं।